हेलो देयर एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली रियली वेल। आज की वीडियो में ना मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ स्टेज 9 to 9 की जो लिक्विड लिपस्टिक्स हैं उनके सारे के सारे शेड्स के स्वॉचेस। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। एंड विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट रोलिंग। तो ये स्टेज की लिपस्टिक्स ना आपको कुछ इस तरीके की पैकेजिंग में मिल जाते हैं। मैंने आप लोगों के साथ बुलेट और जो उनकी 3-in-1 वाली लिपस्टिक आती है उसके भी कंप्लीट स्वॉचेस शेयर करे थे। अगर आपने नहीं देखा है ना तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, आप वहां से चेकआउट कर सकते हो। सो ये कुछ इस तरीके की पैकिंग में आपको मिलती है, फ्रॉस्टेड एंड क्यूबॉइड सॉर्ट ऑफ पैकिंग मिलती है आपको यहाँ पे। इट सेज लिप्स डोंट लाई मैट प्लस ट्रांसफर प्रूफ लिक्विड लिपस्टिक। यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेज 9 to 9 और नीचे आपको इनका शेड नंबर, शेड नेम एंड आप इनको कब तक यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको अभी परचेज करा है तो आई कैन यूज इट 2026 तक के एंड तक। तो आई फील लाइक 2 साल तक मैं इसको बहुत इजिली यूज कर सकती हूँ। तो सबसे पहले ना इस लिपस्टिक की अगर प्राइस की बात करी जाए, आपको इस टाइम इसका प्राइस जो है वो स्क्रीन पर मैंशन हो रहा होगा। एंड अगर शेड्स की बात करी जाए इसमें आपको मिल जाते हैं इन टोटल 12 शेड्स। सो इसमें बेसिकली आपको न्यूड्स, पिंक, देन ब्राउन, कॉफी, वाइन, रेड्स के डिफरेंट शेड्स, बहुत सारी शेड रेंज मिलती है। तो सबसे पहले सारे के सारे शेड्स के लिप स्वॉचेस देखते हैं। Thank you.
ऑनेस्टली लव द शेड रेंज बिकॉज यहाँ पे आपको न्यूड, पीच, पिंक, रेड, वाइन हर तरीके का शेड मिल जाता है. एंड द बेस्ट थिंग, सारे के सारे जो शेड्स है ना वो वार्म अंडरटोन के हैं, तो बिल्कुल इंडियन स्किन टोन को बहुत अच्छे से सूट करने वाले हैं. मैंने जो इस टाइम अपने लिप्स पर शेड वेयर कर रखा है ना, वो स्टेज लिपस्टिक का ही है, जिसमें मेरा शेड है 11 न्यूड एटीट्यूड. या दैट इज द शेड ऑन माई लिप्स राइट नाउ. इट्स सो अमेजिंग. एंड गाइज, एज इट सेज की ट्रांसफर प्रूफ है, सो लेट्स जस्ट सी, बिकॉज इट हैज बीन ऑन माई लिप्स फॉर लाइक 5 to 6 minutes. And you can take a look at that. I'm applying so much pressure and let's just see if it smudges or not. आप देख सकते हैं मेरे हैंड एकदम इस टाइम पे क्लीन है. You can take a look at that. बिल्कुल माइनर सा स्मज हुआ है, बहुत ही थोड़ा सा, बट आई फील लाइक वो भी थोड़ी देर के बाद कम्प्लीटली चला जाता है बिकॉज आई रब्ड इट सो हार्ड. सो अगर आप कुछ खा पी रहे हो, कुछ यू नो ड्रिंक्स ले रहे हो, कॉफी पी रहे हो, सो आई डोंट फील लाइक इट ट्रांसफर होने वाली है, बट इट्स जस्ट दैट कोई भी लिपस्टिक हो, अगर आप एक्सट्रीमली ऑयली फूड खाओगे तो वो आपके लिप्स के मिडल में से रिमूव हो जाती है. नाउ दीज आर वेरी वेरी कम्फर्टेबल ऑन द लिप्स. लाइक आई हैव अप्लाइड इट फॉर एज आई सेड 5 to 6 minutes नाउ. और मुझे लिटरली बिल्कुल अपने लिप्स के ऊपर हैवी फील नहीं हो रही. लिप्स को ये ड्राई आउट नहीं कर रही है, दैट्स एन अमेजिंग थिंग, बिकॉज बहुत सारे लोगों को लिक्विड लिपस्टिक इसलिए नहीं पसंद क्योंकि वो लिप्स को ड्राई आउट कर देती है. तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि लिप्स को बिल्कुल ड्राई आउट नहीं कर रही, बहुत अच्छे से लिप्स को नरिश रख रही है. एंड या द बेस्ट थिंग विच आई नोटिस्ड इज कि लिप्स के क्रैक के अंदर बिल्कुल भी सेट नहीं हो रही है. लाइक आई एम टेकिंग अ लुक एट माई लिप्स राइट नाउ एंड ये बिल्कुल भी लिप्स के क्रैक में सेटल नहीं हो रही है. हर किसी के लिप्स में लाइंस होती हैं, क्रैक्स होते हैं, बट द बेस्ट थिंग कि अगर उसमें सेटल नहीं हो रही है तो आपके लिप्स जो है वो बहुत ही ज्यादा फ्लॉलेस और बहुत ही ज्यादा अमेजिंग लगते हैं. ओवरऑल अगर मैं लिपस्टिक्स की बात करी जाऊँ, आई रियली लाइक डेट. प्राइस वाइज के अकॉर्डिंग लिपस्टिक की जो क्वालिटी है वो बहुत ही ज्यादा अच्छी है. एंड अगेन बाकी की जो दो वीडियोज हैं वो अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से चेकआउट कर सकते हो. एंड या दैट इज इट. इन लिपस्टिक्स को अगर आपको परचेज करना है उसका भी बाइंग लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहां से इनको परचेज कर सकते हो. एंड या आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी. इफ यू डू प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू गिव दिस वीडियो अ लाइक, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माय चैनल. आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय बाय.